मीठा कराया जा रहा है, खीर खिलाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। पंद्रह साल की सजा काट कर जो बाहर आया उसे शेर बिहार बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उनकी अगुवाई के लिए यहाँ कितनी बड़ी भीड़ जमा है। आजीवन सजा काटने वाले का स्वागत वैसा जैसे आजादी की लड़ाई का सिपाही जेल से बाहर आया हो। 15 साल के बाद गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड में आरोपी जिन्होंने आजीवन कारावास की सजा काटी है उनकी रिहाई हुई है। समर्थकों को आनंद आया और सुशासन को संजीवनी मिल गई। आज खुशी का माहौल है, हमारे नेताजी श्री आनंद मोहन जी का पूरा रिहाई है। राम भगवान 14 साल वनवास के बाद लौटे थे, उसी तरह आज और कल हम लोग दीपावली मनाएंगे। पहले ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, दूसरी तरफ हम बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। हत्या का दोषी और जंगलराज को भूलकर कह रहा है बिहार, आनंद घर लाए नीतीश कुमार। झंडे लगाकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के यहाँ पूरे कैवलकेड में तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका विशेष में। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को आज जेल से आजादी मिल गई। डीएम जी कृष्णैया की हत्या के केस में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन जेल मैनुअल में बदलाव के बाद आज आनंद मोहन रिहा कर दिए गए। उनकी रिहाई का जो समय तय किया गया था वो दोपहर का समय था, इसीलिए आनंद मोहन के हजारों समर्थक सुबह से ही गाजे बाजे लाव लश्कर के साथ सासाराम में जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन जेल प्रशासन ने आनंद मोहन को सुबह 5 बजे ही रिहा कर दिया। रिहाई के जश्न में आनंद मोहन शामिल तो नहीं हुए, न समर्थकों से मिले, न ही कोई तस्वीर सामने आई। 12 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, आनंद मोहन कहां हैं किसी को पता नहीं। आखिर उनके इस गुपचुप रिहाई का रहस्य क्या है और आनंद मोहन आखिर हैं कहां? बिहार में आज बड़ा आनंद है, बाहुबली को बिहार का शहर बताया गया, मिठाइयां बटी और सजायाफ्ता के शानदार स्वागत की तैयारी कि यहां आतिशबाजी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पास चल के वहां से विजुअल्स दिखाने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि दिन में ही आतिशबाजी की जा रही है। स्वागत की तैयारी ऐसी कि सहरसा की सड़कों पर मोटर बाइक और गाड़ियों का काफिला उतर आया, रास्ता जाम हो गया। आज सहरसा के पचगनिया गांव में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से आनंद मोहन के सपोर्टर्स झंडे लगाकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के यहाँ पूरे कैवलकेड में तैयारी में है। हालांकि रिहाई के बाद आनंद मोहन सहरसा में अपने घर नहीं गए, सीधे पटना पहुंच गए। इसे बिहार में नई सियासी आहट माना जा रहा है। स्वाभाविक है कि कहीं भी जाने के लिए पहले पटना ही जाना पड़ता है। पटना निकल चुके हैं जी। हाँ, आनंद मोहन सहरसा से सीधे पटना क्यों गए, इसको लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा है, क्योंकि सुबह से ये कार्यक्रम तय था कि आनंद मोहन जेल से निकलकर सीधे सहरसा में अपने गांव पंचगछिया जाएंगे। तैयारी थी जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन का गाजे बाजे के साथ स्वागत हो, इसके साथ ही वो जेल से बाहर निकलेंगे, साथ में 500 गाड़ियों का काफिला रहेगा। सहरसा जेल से बाहर निकलने के बाद फिर समर्थकों के साथ खुली जीप पर सवार होकर वो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे पटना का कनेक्शन बताया जा रहा है। पटना के राजनीतिक बैठकी में आज बताया जा रहा है कि रिहाई से पहले आनंद मोहन को पटना से जेडीयू के एक बड़े नेता ने फोन किया और उनसे कहा कि वो अपनी रिहाई का उत्सव ना मनाए और सब कुछ शांति से होने दें। इसका मतलब आनंद मोहन की रिहाई का पूरा प्लान पटना से मैनेज हो रहा था, इसीलिए सहरसा में स्वागत की तैयारियां अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि सहरसा से सीएम साहब के लिए धन्यवाद जरूर पहुंचा। भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं, और आज मान लीजिए तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। हम अपने बच्चों के को भी धन्यवाद देंगे जिसने अपने छोटे छोटे उम्र में, कच्चे उम्र में होली दिवाली दशहरा नहीं मना करके संघर्ष में साथ दिया। पैदल चल के स्कूल हो कॉलेज हो अपने पिता के लिए न्याय मांगे। पूरी सुशासन सरकार इस रिहाई को नियम कानून के तहत हुआ फैसला मान रही है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि बाहुबली की रिहाई हुई तो मुंह दिखाई क्यों नहीं हुई। आदरणीय आनंद मोहन जी के रिहाई का रास्ता तो साफ हो ही गया था और उनके रिहाई में सारे नियम कानून कायदे का पालन किया गया है। उनकी रिहाई हुई है, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की जरूरत है। बहरहाल आज बिहार में सुशासन आनंद में है, लेकिन आनंद मोहन के समर्थक सवाल कर रहे हैं कि उनके नेता की रिहाई पर सियासत में इतना सन्नाटा क्यों है। सहरसा से आदित्य वैभव और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जेल से रिहा होने के बाद भी आनंद मोहन की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। डीएम जी कृष्णैया का परिवार इस निर्णय के विरुद्ध अदालत में याचिका दाखिल करने जा रहा है। नीतीश सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध 5 पीआईएल पहले ही अदालत में दाखिल हो चुकी हैं और शायद इसीलिए आनंद मोहन की रिहाई को बहुत ही गुप्त रखा गया। समर्थकों का ये उत्साह बता रहा था कि वो आनंद मोहन का स्वैग से स्वागत करने की तैयारी में थे। जेल के आगे जयकारे लग रहे थे और आनंद मोहन के आवास पर भोज और भोग तैयार हो रहा था। इस उत्साह के पीछे शायद वो बयान जिसमें आनंद मोहन ने कहा था कि जेल से निकलने पर विरोधियों को करारा जवाब देंगे। जवाब दिया जाएगा सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके कोई सब सवाल को प्रणाम। इसी अंदाज को बरकरार रखने के लिए शाही स्वागत की तैयारी थी। आनंद मोहन की रिहाई का वक्त पहले दोपहर 1:30 बजे बताया गया था, लेकिन कारों का काफिला सुबह से ही जेल के बाहर खड़ा था। लगा तो ऐसा ही था कि जब जेल का फाटक खुलेगा आनंद मोहन मुस्कुराते बाहर निकलेंगे, विजयी मुद्रा में हाथ हिलाएंगे, समर्थक जयकारा लगाएंगे और फिर गाजे बाजे के साथ साहिब के कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चोर दरवाजे से आनंद मोहन चलते बने। यहाँ पर सहरसा में आनंद मोहन के आवास की जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले यहाँ पहुँचे हैं, इन सबको यहाँ पर मुंह मीठा कराया जा रहा है, खीर खिलाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आनंद मोहन के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है कि तकरीबन 15 साल के बाद गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड में आरोपी जिन्होंने आजीवन कारावास की सजा काटी है उनकी रिहाई हुई है। हालांकि रिहाई जिस तरीके से हुई, बड़ी गुपचुप तरीके से हुई, लेकिन फिर भी यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लड्डू बांटे जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस चोरी चोरी चुपके चुपके वाली रिहाई के पीछे वो माहौल है जो आनंद मोहन के खिलाफ बन रहा है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पूर्व IPS अमिताभ दास ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। IAS एसोसिएशन ने भी आनंद की रिहाई पर विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि वे इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। आंध्र प्रदेश के IAS एसोसिएशन ने बिहार सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। एडवोकेट अलका वर्मा ने नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में PIL दाखिल की है। आनंद मोहन की रिहाई पर DM जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने नाराजगी जाहिर की है। रिहाई के खिलाफ अपील करने की भी बात कही है। उनको बाहर लेके आया गया और फिर रिलीज भी कर दिया गया आज। तो हमारे साथ जो भी हुआ बहुत ही अनजस्ट और अनफेयर है। शायद यही एक ऑनेस्ट ऑफिसर का रिवॉर्ड है कि इतना अच्छा सर्विस करने के बाद भी ऐसे मार के बस हत्या करके उनकी वहां पे, और फिर अभी वो हैप्पीली अभी बाहर आ गया है, अभी घूम रहा है और पता नहीं कितने जश्न मनाए जा रहे हैं वहां पे। तो क्या बाहुबली और पूर्व सांसद मोहन की रिहाई पर अभी संकट के बादल हैं, या फिर उनकी सियासी जरूरत इतनी ज्यादा है कि सुशासन उन्हें हर संकट से बाहर निकाल लेगा। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए
आज तक।